ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग ऑक्टाव कैलकुलेशन की जो सेकेंड ईयर में है आपका उसकी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें लगभग 250 क्वेश्चन हैं, हम सबको पार्ट वाइज धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी मैंने पार्ट अपलोड कर रखा है चैनल पर सेकेंड ईयर के लिए, टॉप 40 क्वेश्चन के नाम थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसे जाकर देख सकते हैं। प्लस कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि सर पूरा सिलेबस करवा दीजिए, क्योंकि एग्जाम वो पीछे हुआ था ना, तो अब जो एग्जाम होने वाले हैं तो इस हिसाब से अगर आप पूरा सिलेबस पढ़े रहेंगे तो उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि आप मतलब फेल हो सकते हैं या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, टॉप 40 में क्या भाई, वो पिछली बार के लिए था, अब इस बार पता नहीं किस हिसाब से क्या चीज़ें चेंज होंगी। तो अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट किए रहते हैं तो फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ऑक्टाव कैलकुलेशन है या सेकेंड ईयर में किस ट्रेड के लिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड। आपके आईटीआई में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों ट्रेडें होती हैं। तो जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, आपका टर्नर है, मशीनिस्ट है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है, जितनी भी मैं ट्रेडों का नाम दे रहा हूँ, आरएसी है, उन सब ही में जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड है उनमें सेकेंड ईयर में सिलेबस तो अलग होता है, लेकिन जो निम्मी एग्जाम करवा रही है उसमें उन दोनों ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो दोनों ट्रेडें हैं दोनों में सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस अलग है लेकिन एग्जाम में जो निम्बिक अपना पैटर्न चला रही है उसमें क्या किया जा रहा है कि दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सभी ट्रेड के लिए है जो कि इंजीनियरिंग वाली है, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन से हों, चाहे आप फिटर से हों, ठीक है, चाहे आप टर्नर से हैं, मशीनिस्ट हैं, आपको बार बार पूछना नहीं है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए इस बार मतलब एक बार इसको। बाकी जो आपके क्वेश्चन वगैरह दिख रहे हैं ना, इनका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। कहाँ मिलेगा पीडीएफ, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, हमारी वेबसाइट है www.globalitii.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसानी से आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनका पीडीएफ प्लस पहले के भी वहाँ पे पीडीएफ अपलोड है, प्लस इस वेबसाइट पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है, आप जाइए वहाँ पे टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना अच्छा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, आपका तैयार होगा और आपको एग्जाम में उतनी आसानी होगी। पिछली बार एग्जाम में काफ़ी बच्चों ने दो दो घंटे का पेपर 10 मिनट में करके बैठे हुए थे, कैसे हुआ था, प्रैक्टिस करके हुआ था। तो आप भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। तो इस वेबसाइट पे आप लोग जाके जरूर एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए और इस पर थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है, बाकी आपके पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, अदर सब्जेक्ट के भी हैं, थ्योरी वगैरह के भी हैं, तो आप यहाँ पे जरूर विजिट करिए। ठीक है, ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है घर्षण नियम कौन सा है। क्वेश्चन में बोला है घर्षण नियम मतलब फ्रिक्शन होता है वो कौन सा है। फ्रिक्शन क्या चीज होती है, थोड़ी सी इस पर बात कर लेंगे। फ्रिक्शन मतलब दो पार्ट, ठीक है, चाहे वो मेटल का हो चाहे लकड़ी का, कुछ भी, जब दो पार्ट या कह लीजिए जब दो वस्तुएं की सरफेस एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है, उसी को कहते हैं फ्रिक्शन। घर्षण, घर्षण मतलब घिसना, आप समझ सकते हैं। दो वस्तु भाई, कभी भी एक वस्तु को आप अकेले नहीं घिस सकते ना, जब दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो आपस में घिसती हैं, तो उसी घिसने को अगर प्रोफेशनल वर्ड में बोला जाए तो घर्षण कहते हैं या फ्रिक्शन कहते हैं। आप जमीन पे चल पाते हो फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता मतलब आप जब चलते हो तो आपके पैरों के बीच और जो पृथ्वी है जो जमीन है उन दोनों के बीच में जब हमारा पैर संपर्क करता है पृथ्वी पे तो फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है, एक बल लगता है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल नहीं पाते, फिसल करके गिर जाते हैं। ठीक है, तो चीज हो गई फ्रिक्शन। तो ये चीज पूछा घर्षण का नियम कौन सा है। पहला कह रहा है घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल और आकार से स्वतंत्र होता है। तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वह संपर्क सतह के क्षेत्रफल और आकार से स्वतंत्र होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आसानी होगा। फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर। जो एफ होता है आपका, यह होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। म्यू आपका जो है यह आपका घर्षण गुणांक है। घर्षण गुणांक, ठीक है। आर क्या है आपका? ये अभिलंब प्रतिक्रिया है, नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक,
तो ये चीजें हमारे पास, ठीक है। तो यहां से देखिए, ये कह रहा है घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं घर्षण बल हो गया या अभिलंब प्रतिक्रिया हो गया। अगर हम इसे लिखना चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, यह अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पे है फार्मूले में क्या है, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये सीधे ही ऑप्शन गलत हो गया। अगला कह रहा है घर्षण बल गति की ही दिशा में कार्य करता है, नहीं, घर्षण बल हमेशा क्या होता है, गति के विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं तो आपको चलने में दिक्कत क्यों होती है, ऐसा लगता है कि आपको पीछे की तरफ खींचा हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है। जैसे दो वस्तुएं आपस में आप घिस रहे हो, एक वस्तु को दूसरे वस्तु पे आप ढकेलना चाह रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो जल्दी आगे नहीं बढ़ती है, आगे नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, उसको कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। तो जो पीछे की तरफ खींचने वाला फोर्स होता है वही हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब घर्षण बल किधर काम करता है, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में। जैसे अगर यह वस्तु रखी हुई है, इसको मैं पी बल लगा करके इस दिशा में खींच रहा हूं, पी बल लगा करके इस वस्तु को मैं इस दिशा में खींच रहा हूं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसके जस्ट विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। कहां पे होगा, इसके जस्ट विपरीत दिशा में होगा, तो उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जबकि यहां बोला सेम दिशा में काम करता, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो गया। लास्ट है घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। घर्षण बल जो होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, वह संपर्क सतह पर ही डिपेंड करता है कि जो हमारी वस्तु है, जिस संपर्क, जिस सरफेस से संपर्क करी, वह संपर्क कैसा है, वह सतह कैसी है, खुरदुरी है, ज़्यादा खुरदुरी है या फिर कम खुरदुरी है। अगर अधिक खुरदुरापन होगा, जितना अधिक खुरदुरापन उतना अधिक फोर्स लगेगा और उतना अधिक आपका घर्षण बल होगा। भाई कोई दो वस्तुएं आपस में, अगर वो उनकी सरफेस क्या खुरदुरी है, तो आसानी से एक दूसरे पे नहीं स्लिप करेंगे, स्लिप नहीं कर रही, इसका मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। अगर वो कम खुरदुरी है तो आसानी से स्लिप कर जाएगी, इसका मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है आपका, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी गलत हमारी साबित होती है कि सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं है। पहला ऑप्शन जो था, घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल और आकार से स्वतंत्र होता है, यही ऑप्शन सही होगा, घर्षण के नियम में ये ऑप्शन सही होगा, बाकी सब उल्टा लिख रखा है। यहाँ पे क्या था, घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि ये लिख दिया था नहीं, ठीक है, उस पर करता है, ये वाले ऑप्शन सही हो जाएगा, घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल और आकार से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, गतिमान वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है, कि अगर कोई वस्तु गति में है तो घर्षण बल की दिशा क्या होगी, ठीक है। तो अभी हमने बात किया था कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ये हमारी वस्तु है, इस सरफेस पर ऐसे रखी हुई है, सरफेस हो गई हमारी ये, और इसे कोई पी बल से इसको खींच रहा है इस दिशा में, तो भाई अगर आप वस्तु को आगे की तरफ खींचोगे तो जल्दी आ नहीं रही है ना, अगर आप किसी चीज़ को आगे की तरफ खींच रहे हो जोरदार पे, तो जल्दी आगे आ नहीं रही है, इसका मतलब उसे पीछे की तरफ कोई खींच रहा है, तो वह कौन खींच रहा है जिसकी वजह से वस्तु आगे नहीं आ पा रही है, तो वह होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। किधर काम कर रही है, वस्तु की गति हम इधर देना चाह रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इसको उधर ले जाना चाह रहा है, इसके जस्ट विपरीत दिशा में। तो ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन बी है, गतिमान वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है, तो वस्तु के विपरीत होती है, किधर होती है, वस्तु के विपरीत होती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला है, संपर्क सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक है, कि अगर हमारी संपर्क सतह कॉन्टेक्ट सरफेस है, जहां पे दो सरफेस एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर रही है, संपर्क में है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है वह किस बल के सीधे अनुपातिक होता है। अनुपातिक का मतलब वही जो आप पढ़ते हो ना, अनुक्रमानुपाती, क्या पढ़ते हो, अनुक्रमानुपाती, उसी को अनुपातिक लिख रखा है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, दरअसल थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी वस्तु हो गई, ठीक है, किसी सरफेस पे रखी हुई है, ये हमारी सरफेस है, जो वस्तु का लोड होगा, जो इसका भार होगा, जो इसका वेट होगा, उसे हम W से दिखाते हैं, वो कैसे काम करेगा, वह सरफेस पे इस टाइप से काम करेगा, W वस्तु का वजन भाई सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा नीचे की तरफ, तो इस सरफेस पे यह वस्तु दबाव डाल रही है, ठीक है। तो ये कि कितना जो उसका भार होगा वही भार का दबाव यार इसके ऊपर डालेगी, जो वस्तु का भार है W वो इस पे दबाव डाल रहा है, ठीक है। इसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या होता है हमारा,
अभिलंब प्रतिक्रिया जिसे आर से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, आर से, वह कितना होता है, तो आर जो होता है वह डब्लू के बराबर ही होता है। कैसे अभी मैं बताऊंगा। अगर वस्तु पे हम पी बल लगा के इस दिशा में खींच रहे हैं तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा जो कि ऐसे होगा, ठीक है। तो यह आर डब्ल्यू के बराबर क्यों होता है, तो आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि अगर हम किसी वस्तु पर जितना दबाव डालते हैं उतना ही वस्तु हमारे दबाव के विपरीत दबाव डालती है। जैसे किसी दीवार पे हम धक्का दे रहे हैं और वह दीवार नहीं गिर रही है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हो दीवार आपके ऊपर जस्ट उतना ही फोर्स लगा दे रहे, तो वो चीजें वहीं पे स्थिर रह जाएंगी। दीवार कब टूटेगी, जब दीवार के द्वारा लगाए गए फोर्स से आपका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो उस स्थिति में फिर दीवार टूट जाएगी। कार, जैसे आपने कार देखा होगा, कार खड़ी है आप उसे धक्का दोगे तो वो पहले नहीं चलती है। कब तक नहीं चलती है, जब तक कि आप कार के द्वारा लगाए गए फोर्स से अपना फोर्स बढ़ाना दो। स्टार्टिंग में आप भाई 10 केजी का फोर्स लगाओ, 20 केजी का, धीरे धीरे ताकत बढ़ाते जाते हो, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि कार चल पड़ती है। तो वह होता है जब हम उसके द्वारा लगाए गए बल से ज्यादा बल लगाते हैं। तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, न्यूटन ने बोला था कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह उतना ही बल उसके जस्ट विपरीत दिशा में हमारे ऊपर लगाती है। तो वही चीज यहाँ पे है, जब यह सरफेस पे, हम इस सरफेस पे इस वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा आपका, जब इस सरफेस पे रखेंगे तो यह अपने भार के बराबर, डब्लू भार के बराबर इस पर दबाव डालेगी उस सरफेस पे, तो उसी सरफेस जो यह सरफेस है यह इस वस्तु के भार के बराबर जस्ट इसके विपरीत दिशा में दबाव डालेगा, उसी को हम नॉर्मल प्रतिक्रिया दिखाते हैं। इसीलिए इसके कितना भार अभिलंब प्रतिक्रिया होती है, अपने भार के बराबर, तो वही आर बराबर डब्लू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारी सरफेस झुकती नहीं है, सरफेस झुक जाती है ना, क्यों नहीं झुक रही है, क्योंकि जितना बल लगा उतना बल वो ऊपर की तरफ धकेल दे रही है, तो इसीलिए जितना जैसी सरफेस थी स्टेट वैसी ही है, ठीक है। तो यहां से हमारा आता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर, यहीं से निकालते हैं, ठीक है। एफ जो होता है हमारा वो पी के बराबर होता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगाए गए बल के बराबर होता है। कब तक, जब तक कि वस्तु गतिमान स्थिति में ना आ जाए, या जो फ्रिक्शन फोर्स है सीमांत घर्षण बल होता है। तो अगर वस्तु हमारी गति की अवस्था में नहीं है तो उस स्थिति में हमारा जो लगाया गया बल होता है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ से निकाला गया था एफ इज इक्वल टू म्यू आर। अगर हम यहाँ से इसको अलग लिखना चाहें तो मैंने अभी पीछे दिखाया था एफ अनुपातिया, ठीक है। तो वही पूछा था संपर्क सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधानुपातिक है, तो हम देख रहे हैं इसके अनुपातिक कौन सा बल है, एफ है। एफ क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स, इसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। कह रहा है यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो निम्नलिखित में से कौन पहियों और सड़कों के बीच में कार्य करता है। जो हमारी वाहन है, जो कार है, अगर वो रोड पे चल रही है, ठीक है, तो किस वजह से चल पा रही है, कौन है जो कार के जो टायर है, जो कार का टायर है या पहिया है, तो पहिया पे भाई टायर लगा होता है, और जो आपकी क्या हो गई, सड़क हो गई, उन दोनों के बीच में क्या है ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से वो चल पा रही है। तो अभी मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण बल होता है, नहीं तो हमारी कार फिसलती चली जाती, वो रुकती ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई चीज़ अगर एक बार आप धक्का दे देते तो फिसलती ही रह जाती, वो कभी रुकती ही नहीं, ठीक है। वो फ्रिक्शन फोर्स ही है जो उसको पकड़ बनाए रखता है और कार को सड़क पर चलने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयोगी घर्षण कौन सा है, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन, कि इसमें इनमें से जो है चारों में से कौन सा है जो यूजफुल फ्रिक्शन है, मतलब जो हमारे काम का है, जिससे हमें फायदा हो रहा है। भाई फ्रिक्शन से फायदे भी है, नुकसान भी है, कोई भी चीजें हैं आपकी समाज में उससे फायदा और नुकसान दोनों होता है, ठीक है। तो वैसे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन ऐसा नहीं कि अच्छी चीज ही है, इससे कुछ नुकसान भी है हमारे। जैसे उपयोगी पूछा है ना कि इसमें से कौन सा काम, जैसे सिलेंडर में छल्ले, मतलब कोई सिलेंडर है आपके पास उसमें जो रिंग लगी होती है, तो सिलेंडर में जब पिस्टन आगे पीछे मूव होता है तो क्या होता है, अगर उस छल्ले मतलब उस रिंग और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो आपको काफी आसान होता, स्मूथ होता पिस्टन को चलना। क्या होता, पिस्टन जो है हमारा सिलेंडर में काफी आसानी से आगे पीछे मूव होता, आपकी पावर कम लगती,
आपकी पावर क्या होती, कम लगती। कब कम लगती, अगर वह रिंग और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। तो फ्रिक्शन जो घर्षण बल है वो गति का विरोध करता है, तो उसकी वजह से हमें शक्ति बढ़ानी पड़ती है, मतलब हमारा पावर ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन हमें नुकसान कर रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। क्रैंकशाफ्ट बियरिंग, ठीक है, तो जो बियरिंग होती है, बियरिंग मतलब बैरिंग से होता है, बियरिंग का मतलब बैरिंग, आप लोग सुने होंगे बैरिंग, ठीक है। तो जो बैरिंग है या जो बियरिंग है उसमें क्रैंकशाफ्ट हमारी चलती है, घूमती है। तो जो भाई क्रैंकशाफ्ट है और बियरिंग है, तो जब क्रैंकशाफ्ट बियरिंग के अंदर घूमता है, ये हमारी क्या हो गई, बियरिंग हो गई। इसमें हमारे क्या होते हैं, रोलर होते हैं या कुछ में बॉल होती है, और इसके बीच में हमारी क्या होती है, इसके बीच में हमारी शाफ्ट लगी होती है। तो जब शाफ्ट जो होगा इस बियरिंग के अंदर घूमेगा, तो शाफ्ट और इस बियरिंग के बीच में क्या काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा, जिससे या तो हमारी शाफ्ट घिसेगी या बियरिंग घिस जाएगी, फिर हमें बियरिंग बदलना पड़ेगा। इसका मतलब वो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है ना। कुछ दिनों बाद बियरिंग घिस जाती है, फिर हमें नया बियरिंग खरीदना पड़ता है। इसका मतलब क्रैंक शाफ्ट में जो बियरिंग है यह भी नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है। व्हील हब बियरिंग, यह भी वही बात है कि व्हील हब बियरिंग मतलब हब में जो बियरिंग लगी हुई है वहां पे भी जब व्हील चलेगा तो दोनों आपस में घिसेंगे, हमारा नुकसान है। लास्ट है ब्रेक शू लाइनिंग, जो ब्रेक शू होता है जो कि रोकने का काम करता है। जैसे कार आपकी चल रही है तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो आपकी कार रुक जाती है, तो ब्रेक शू पे लाइनिंग बनी होती है। लाइनिंग से क्या होगा, खुरदरापन, खुरदरापन होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से ही संभव हो पाया कि हमें गतिमान वस्तु को ब्रेक के द्वारा रोक पाए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्रेक शू में लाइनिंग बनी हुई है जिसकी वजह से फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है, ये हमारा काम का है या यूजफुल फ्रिक्शन है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि यह हमारा उपयोगी घर्षण है, यूजफुल फ्रिक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है बेकार घर्षण कौन था, विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन, वह यूजफुल था, वेस्टफुल कौन सा, जो हमारे काम का नहीं है। हम वहां पर ढूंढ रहे थे कौन सा काम का फ्रिक्शन है, यहां देखना है कौन सा काम का नहीं है, ठीक है। देखिए रियर एक्सल गियर है, फर्स्ट फर टायर है, ब्रेक शू लाइनिंग है, क्लच स्तर है, ठीक है। क्लच स्तर मतलब जो क्लच में लाइनिंग बनी होती है, अगर क्लच में लाइनिंग नहीं बनी होती, फ्रिक्शन नहीं होता, तो क्लच हमारा ठीक से काम नहीं करता। तो इसका मतलब जो क्लच में लाइनिंग बनी हुई है इससे फ्रिक्शन बढ़ रहा है, अच्छी चीज है, बेकार नहीं है। ब्रेक शू लाइनिंग, अभी हमने बताया कि ब्रेक शू पे जो लाइनिंग बनी होती है उसकी वजह से, लाइनिंग की वजह से खुरदरापन, भाई कहीं कोई प्लेन चीज है, ऐसे वस्तु है, इस पे अगर मैं लाइनिंग खींच दूँ तो क्या होगा, इसका खुरदरापन बढ़ जाएगा। खुरदरापन बढ़ने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन बढ़ना, और फ्रिक्शन बढ़ने से हमें आसान हो जाएगा भाई कोई भी चीज़ रोकना। तो ब्रेक शू पे जो लाइनिंग हमारा काम का है उससे फ्रिक्शन बढ़ रहा है और हम कार वगैरह को रोकने में सफल हो रहे हैं। फर्श पर टायर, भाई फर्श और टायर के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कार का जमीन पर चलना संभव नहीं होता, भाई वो किधर भी फिसल के चली जाती ना, आप जिधर चाहते कार उधर नहीं जाती, उसका जिधर मर्जी करता उधर चला जाता, ठीक है। तो फर्श और टायर के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है जिससे हमें फायदा हो रहा है, तो यह भी हमारा यूजफुल फ्रिक्शन हो गया। ये तीनों फ्रिक्शन कौन से हो गए, यूजफुल वाले हो गए। बेकार कौन सा है, रियर एक्सल गियर, कौन सा, रियर एक्सल गियर मतलब जो गियर में एक्सल होता है, गियर और एक्सल के बीच में जो हमारा फ्रिक्शन होगा उससे हमारे गियर में घिसाव होगा और टूट फूट होगा, तो वहां पे जो फ्रिक्शन है वो बेकार है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो रियल एक्सल गियर में फ्रिक्शन होता है वो बेकार होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा घर्षण बल पर निर्भर करता है, ठीक है, कौन सा घर्षण बल पर निर्भर करता है, टाइप ऑफ मेटल, कॉन्टेक्ट सरफेस, क्वांटिटी ऑफ द कॉन्टेक्टिंग मेटल और क्वालिटी ऑफ द मेटल, ये चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो घर्षण बल पे कौन निर्भर करता है, तो मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स हमारा मेन किससे मतलब है, भाई धातु की गुणवत्ता क्या है, संपर्क धातु की मात्रा का उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन फ्रिक्शन फोर्स मतलब है संपर्क सतह। मैंने बताया ना कि जब तक दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट नहीं करेंगी, दो वस्तुओं की सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, संपर्क सतह नहीं बनेगा, तब तक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। आप किसी भी प्रकार का मेटल ले लीजिए, कितना भी धातु की मात्रा ले लीजिए, कोई भी धातु की गुणवत्ता हो, अगर हमारी जो दोनों सरफेस है दोनों वस्तुओं की वो कांटेक्ट में ही ना आए, उनके बीच में दूरी बनी रहे, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपका किस टाइप का मेटल है या कितनी मेटल की मात्रा है, कोई फायदा नहीं है। कब हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, जब हमारी संपर्क सतह मतलब जब हमारी सरफेसेस कांटेक्ट में आएगी, संपर्क में आएगी, तो मेन हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि कांटेक्ट सरफेस, संपर्क सतहों पर ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है, घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है,
फार्मूला वाली बात आ जाएगी। फिर वही मैंने आपको बताया था, इस फार्मूला को याद कर लीजिए यहाँ पर या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए। मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को तो देखिए, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कीजिए, प्लस एक काम और आपको करना है, वो क्या है कि आप अपने साथ एक नोट्स रखेंगे, जितने भी आप पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे पार्टनर, जो भी फार्मूला बीच बीच में आता है आप उन सबको उस कॉपी पे नोट करते जाइए। इससे क्या होगा कि जिस दिन आपका यह वीडियो कंप्लीट होगा उस दिन आपको ढेर सारे फार्मूले मिलेंगे और वो वही फार्मूले होंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट्स जरूर साथ में बनाते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू म्यू आर हो गया। पूछ रहा घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त करते हैं, मैंने आपको बताया था जो एफ होता है, एफ क्या आपका, यह आपका फ्रिक्शन फोर्स है, यह हमारा घर्षण बल है। ठीक है, आर क्या है हमारा, अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक, और म्यू क्या होता है हमारा, यही होता है घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक। ठीक, तो अगर हमसे पूछा है घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है तो यहां पे देख लेते हैं हम लोग। म्यू इज इक्वल टू, देखिए भाई एफ इज इक्वल टू म्यू आर है, म्यू का क्या है, आर का म्यू में गुणा है, तो जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपान आर, एफ अपान आर। एफ क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स है, आर क्या है अभिलंब प्रतिक्रिया है, मतलब जो म्यू है हमारा वो फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का क्या है, अनुपात है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है, घर्षण गुणांक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। आपको कहां से पता चला, इस फार्मूले से, फार्मूला याद रहेगा बिल्कुल आसानी से, म्यू मतलब घर्षण गुणांक, यह क्या है, यह घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अभी हमने बात किया था F इज इक्वल टू म्यू आर, ये चीज देखा था हमने, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं म्यू तो है, R है, W है, सब अलग अलग है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पीछे क्वेश्चन हमने देखा था कि यदि किसी सरफेस पे कोई वस्तु रखी हुई है, किसी सरफेस पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो मैंने बताया था इसका भार W नीचे की तरफ काम करेगा, जस्ट इसी के बराबर इसके विपरीत दिशा में हमारा एक फोर्स काम करता है जिसे R से दिखाते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। आगे की तरफ जो हम फोर्स लगा के इसे खींचने की कोशिश करते हैं उसे P से दिखाते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट विपरीत दिशा में जिधर हम वस्तु को खींचेंगे उसके विपरीत दिशा में हमारा एक फोर्स काम करेगा जिसे F से डिनोट करते हैं, इसी को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं इसको, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो R होता है वह बराबर होता है W के, किसके बराबर होता है W के, और जो हमारा F है वह बराबर होगा P के। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे नाम को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास था या फिजिकल टू म्यू आर, यहाँ पे देख रहे चारों ऑप्शन में म्यू लिखा हुआ है, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ अपान आर। अब देखिए F अपन R के रूप में कोई वैल्यू है, F के रूप में दो दिख रहे हैं, एक F यहां दिख रहा है, एक F यहां दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे यह गुड़े W है, बटे W है। तो आप देखिए हम R को क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था R जो होता है वो W के बराबर होता है, मतलब R को हम W भी लिख सकते हैं, R को W भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं F अपन W, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां देख लीजिए ऑप्शन फोर म्यू इक्वल टू F अपन W, एफ अपान आर रहता तब तो आसान हो जाता, इसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आर की जगह डब्ल्यू लिख दिया है कि आप सोचेंगे यार ये तो अलग आ गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, घर्षण गुणांक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। पूछ रहा है घर्षण गुणांक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने देखा कई बार देखा एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है, किसके द्वारा हमने घर्षण गुणांक को देखा, म्यू के द्वारा, म्यू यहाँ पे क्या है ऑप्शन बी है, और अल्फा बीटा का मत कुछ होगा नहीं, म्यू बिल्कुल आसान है। ठीक है, बाकी आप लोग अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारी एक आईडी है उस पर वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपके छोटे मोटे जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा,
ग्लोबल ITI अभी, इसको आप लोग कहाँ पे सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम में, ठीक है। कुछ लोग टेलीग्राम में सर्च करने लगते हैं, वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इस ID को सर्च करके आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगा, उसी वेबसाइट मिलेगा, www.globalitai.org, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।